देश में कोरोना के नए वेरिएंट का प्रसार तेजी से होने लगा है। ये अब तक 19 राज्य केंद्रशासित प्रदेशों में फैल चुका है, जिससे कुल संक्रमितों की संख्या 598 हो गई है। ओमिक्रॉन संक्रमितों के मामले में दिल्ली ने महाराष्ट्र को पीछे छोड़ दिया है। दिल्ली में अब सबसे अधिक 142 मामले हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जनवरी को संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा पर जाएंगे। दुबई एक्सपो की यात्रा और भारत यूएई मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर के साथ प्रधानमंत्री की यह यात्रा ऐतिहासिक होगी। दुबई एक्सपो में पीएम मोदी इंडिया पवेलियन का दौरा भी करेंगे। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों को पर चुनाव आयोग आज अहम बैठक कर रहा है। संभव है कि इस बैठक में आगामी चुनावों को लेकर कोई फैसला लिया जाए। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के अलावा चुनाव आयोग के अधिकारी भी शामिल होंगे और पांचों राज्यों में कोरोना की तीसरी लहर की आशंकाओं और ओमिक्रॉन संक्रमण के खतरे पर मंथन करेंगे। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने बड़ा झटका दिया है। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार ने चंडीगढ़ के बीजेपी पार्टी के मेयर को हराया। वार्ड नंबर 17 से 828 वोटों से आम आदमी पार्टी के दमनप्रीत ने मेयर रविकांत को हरा दिया है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके किस्ताराम पीएस में मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं। यह ऑपरेशन तेलंगाना पुलिस छत्तीसगढ़ पुलिस की ओर से संयुक्त रूप से चलाया गया है। बेंगलुरु से भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सांसद तेजस्वी सूर्या मुस्लिमों और ईसाइयों से हिंदू धर्म में धर्मांतरण का आह्वान कर रहे हैं। इसके पीछे उनका तर्क है कि यही हिंदू पुनरुत्थान का एकमात्र तरीका है। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की शुरुआत भारी गिरावट के साथ हुई है और सेंसेक्स में 450.8 अंक यानी 0.79% की गिरावट के साथ 450.8 अंक यानी 0.79% की गिरावट के साथ 56673.51 पर कारोबार हो रहा है। मेलबर्न में एशेज के खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन के खेल शुरू होने से पहले इंग्लैंड खेमे के लिए बुरी खबर सामने आई है। इंग्लैंड खेमे के 4 सदस्य कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इस वजह से दूसरे दिन का खेल आधे घंटे देरी से शुरू हुआ। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।